नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सरकार ने बढ़ाए गन्ने के भाव, 350 रुपए प्रति क्विंटल भाव देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। किसानों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब ये भाव 340 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बाजार में चीनी के भाव पर्याप्त नहीं है, फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए गन्ने के भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये भाव देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव है। उन्होंने कहा कि फसलों की बिजाई को देखते हुए किसानों की मांग पर पहले 5 जिलों में कृषि क्षेत्र की बिजली सप्लाई बढ़ाई गई थी। अब पलवल और सिरसा जिले में 8 के बजाय 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ोतरी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि मेडिकल कोर्स की फीस कई गुना बढ़ोतरी की गई है। असलियत में MBBS एस कोर्स की फीस जो पहले 60,000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर के 80,000 रुपये वार्षिक की गई है। इसमें एक बॉन्ड भरने की आवश्यकता जरूर की गई है, जो कि केवल सरकारी नौकरी करने वालों के लिए लागू होगा। इस व्यवस्था में मेडिकल कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान, जो पहले नहीं था, अब सुनिश्चित किया गया है। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। जो बिजली है कृषि क्षेत्र को दी जा रही है, ठीक बात है। आजकल क्योंकि फसल की अब बिजाई शुरू होने वाली है, तो हमने कुछ जिलों के अंदर बिजली के टाइमिंग बढ़ा दिए हैं। पहले 5 जिलों में, 2 जिलों में और हमारे पास मांग आई है, वो पलवल और सिरसा जिले की, और वो भी आज से कह दिया गया है कि 8 घंटे के बजाय उनको भी 10 घंटे बिजली दें, 2 घंटे की बिजली उनको ज़्यादा मिलेगी। कुछ गन्ने के भाव के बारे में भी बात हो रही है। वैसे तो क्योंकि बाजार में चीनी के भाव अभी पर्याप्त नहीं है, फिर भी क्योंकि किसानों की मांग है, इसलिए इस बार हमारे जो किसान बंधुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि 10 रुपया क्विंटल इस बार जो रेट है वो उनके बढ़ाए जाएंगे। अभी तक जो रेट 340 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको 350 रुपये क्विंटल किया गया है, और ये हमारा जो रेट है पूरे देश में सर्वाधिक है, हाईएस्ट रेट ऑफ शुगर केन ये हरियाणा में है। सीएम साहब, एक इशू आजकल चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज की फीस है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है, तो गरीब लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? ये गलत है, कई गुना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि फीस तो सामान्यतः जो पहले 60,000 रुपये MBBS की होती थी, उसको 80,000 रुपये किया गया है। हाँ, ये ठीक है कि हमने एक बॉन्ड उसमें ज़रूर डाला है कि 10 लाख रुपये प्रति वर्ष के लिए बॉन्ड की उनसे भरवाए जाएंगे, और वो बॉन्ड तभी मान्य होंगे अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। अगर सरकारी नौकरी वो लोग करते हैं तो फिर उस बॉन्ड का कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो जो पैसा है वो सरकार अपने पास से देगी। कहीं नौकरी छोड़ करके बाहर चले जाते हैं यानी पास करने के बाद, तब वो अपने पास से उस पैसे को देंगे। अभी हमने तो 10 लाख रुपये किया है सरकारी, जो बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिसके अंदर ये बहुत बड़ी राशि है, और हमारे यहाँ भी जो प्राइवेट कॉलेज है 12 लाख 15 लाख 17 लाख रुपये का रेट है, तो हम तो बल्कि यहाँ तक मानते हैं कि जो लोग MBBS कर लेंगे या MD कर लेंगे, उनको सरकारी नौकरी एक प्रकार की सुनिश्चित हो जाती है, तो सुनिश्चित नौकरी का प्रावधान ये जो पहले नहीं था वो निश्चित रूप से अब उनको मिलेगा। धन्यवाद।